वेल हेलो गाइस, मैं आपके स्मेल कचरी बैक विद अनदर वीडियो। तो गाइस अभी मैं हूँ खड़गपुर स्टेशन में, जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं। तो मैं आज जा रहा हूँ कलकत्ता। तो अभी हूँ मैं स्टेशन में। मैं सोचा था घर से स्टार्ट करूँगा बनाने का वीडियो, लेकिन बना नहीं पाया, जल्दी जल्दी मैं निकल गया यहाँ के। पता चला कि ट्रेन 4 बजे में है, तो अभी समथिंग बज रहा है 3:45, तो 4:15 हो गया है। अभी मैं बैठा हुआ हूँ गाइस, अभी ट्रेन आने से बाकी का अपडेट मैं आपको ट्रेन में दूंगा। तो बहुत दिन हो गया गाइस मैंने वीडियो नहीं बनाया, तो सोच लिया आज वीडियो बना ही लेता हूँ। तो इट्स अ ट्रैवल वीडियो फ्रॉम खड़गपुर टू हावड़ा, तो बने रहिए वीडियो में। तो गाइस देख सकते हैं स्टेशन में कुछ अभी ऐसा हाल वाल चल रहा है, देख सकते हैं। मेरा दोस्त, मैं जा रहा हूँ एक्चुअली इसके साथ, इसका नाम है किस्मत खनाल। इंस्टाग्राम का आईडी मैं बायो में दे दूंगा, फॉलो करना है तो कर लेना, नहीं करना तो मत करना। तो ये हाल चल रहा है अभी स्टेशन का, तो वेट कर रहे हैं हम लोग स्टेशन में ट्रेन के लिए। तो गाइस ट्रेन आ चुकी है, एक रात में जगह पाम बने। तो गाइस देख सकते हैं ट्रेन में इतना भीड़ है, तो ट्रेन अभी मैं जस्ट उठा हूँ गाइस, समथिंग 4:10 हो रहे हैं, तो अभी छोड़ेगा। तो हम लोग को बैठने का जगह नहीं मिला, लेकिन बैग रखने का जगह मिल गया है। बस हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए, बैग रख लिया, अभी थोड़ा खा लेने से बैठ जाएंगे। चूस ले रॉस ना चूस ले कंपनी लॉस। तो गाइस जैसे देख रहे हैं ट्रेन छोड़ लिया है, खड़गपुर की बहुत याद आएगी मेरे को, जा रहा हूँ वैसे भी मैं 1 वीक के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, मिस करूँगा खड़गपुर को एक हफ्ते के लिए। ऑलिव को भी मिस करूँगा, #ऑलिव। तो गाइस इतना दिन से वीडियो नहीं बनाया था, इसीलिए आज एक वीडियो बना ही रहा हूँ गाइस, ट्रैवल वीडियो हो गया है एक। तो खड़गपुर से जा रहा हूँ मैं कलकत्ता, तो ट्रेन में चढ़ लिया। अगर आपको पता नहीं होगा कि तो खड़गपुर हम लोग का एक टाइम में लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म रह चुका है, अभी समथिंग 3rd नंबर में है। नंबर 1 में अभी गोरखपुर का स्टेशन आता है जो लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है, खड़गपुर अभी 3rd नंबर में है गाइस। तो लंबा ही है गाइस भाई भाई बीमल का बैग में सोन पापड़ी बेचने आया छ। ₹10 में ब्रांडेड क्या लिखा है? पार्था। ये लिखा पढ़ता पार्था 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 पार्थे स्पेशल सोन पापड़ी देगा। तो चेक करते हैं ये अनबॉक्सिंग हो रहा है गाइस, ₹10 का सोन पापड़ी का ट्रेन में जो लिया है गाइस हमने, क्वांटिटी भी अच्छा ही दिया है। ट्रेन में चढ़े और झाड़ मुड़ी ना है भैया, खाने का मन नहीं है गाइस, लेकिन मेरे को अभी मुड़ी ना ना दादा ना ना
मशक्कत के बाद हम दोनों को बैठने का सीट मिल गया है गाइस, बैठे हैं एडजस्ट करके। तो अब ऐसे ही हावड़ा तक बैठ के ऐसे जाएंगे गाइस। तो गाइस अब लास्ट स्टॉपिज बचा है जो कि है हावड़ा। तो हम लोग कलकत्ता पहुंच जाएंगे, हावड़ा ही लास्ट स्टेशन है। तो उसके बीच में ये स्नैक्स आया था गाइस, तो मैं ये ट्राई कर रहा हूँ। अगर आप कभी खड़गपुर टू हावड़ा ट्रैवल कर रहे थे, ये आने से ट्राई ज़रूर करना, बहुत ही अच्छा होता है गाइस, खाने में चटपटा टेस्ट आता है। तो अभी हावड़ा पहुँच के मैं आपको आगे का बात बताऊँगा। तो गाइस हम लोग हावड़ा एंटर कर रहे हैं, अभी देख सकते हैं स्टेशन में धीरे धीरे करके एंटर कर रहा है, एक ट्रेन निकल रही है। अब क्लियरेंस मिलने से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अबे बिलवेस रोड वाला ब्रिज देख सकते हैं गाइस, तो गाइस देख सकते हैं हावड़ा एंट्री हो रहा है, पता नहीं कौन सा प्लेटफॉर्म में लग रहा है। तो गाइस ट्रेन फाइनली रुक गया है, राइट साइड में लगा है, कौन सा प्लेटफॉर्म है उतर के पता चलेगा गाइस कौन सा प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म नंबर 12 में है ना, प्लेटफॉर्म नंबर 12 में लगा है गाइस। तो देख सकते हैं भीड़ इतना है, तो अभी जाना पड़ेगा मेरे को बस स्टैंड। बस स्टैंड में जाके मेरे को डायरेक्ट बस मिलेगा, मैं रहता हूँ गाइस बड़ा नगर में, तो डायरेक्ट बस में चढ़ूंगा, फिर एंड करूंगा मैं रूम में जाके। तो देख सकते हैं गाइस इतना भीड़ है अभी यहाँ पर, तो प्लेटफॉर्म नंबर 12 से अभी जाऊँगा मैं बाहर को बस स्टैंड में, दिखाता हूँ रास्ता कहाँ पर है आपको बस स्टैंड का। तो गाइस अभी मूत्र विसर्जन विसर्जन खत्म हो गया गाइस, हल्का हो गया शरीर, अब निकलते हैं बस स्टैंड की तरफ। इतना भीड़ है ना गाइस स्टेशन में, तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मैं सोचा था एक दो सिनेमैटिक्स ले लूँगा, शॉर्ट्स ले लूँगा, लेकिन भीड़ के वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए नहीं लूँगा मैं शॉर्ट्स। अब मैं डायरेक्ट जाऊँगा बस स्टैंड, वही जाके ही बात करूँगा। तो देख सकते हैं मेरा दोस्त ये पढ़ता है मौलाना आजाद कॉलेज में, अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो इसका कॉलेज में जाके मैं वीडियो बनाऊँगा एक दिन। तो देख सकते हैं हावड़ा स्टेशन में इतना भीड़ है, प्लेटफॉर्म्स की तरफ ही भीड़ है गाइस, क्योंकि ट्रेन अभी आ रहा है जा रहा है, तो प्लेटफॉर्म की तरफ बहुत भीड़ है। तो गाइस बस स्टैंड की तरफ ही चलते हैं, आपको बस में चढ़ के दिखाऊंगा। मोचिया खाना भाग भाग जल्दी अल्छी लागिसक्यो भाइ मलाई, कहिले घर पुगौँ भइसक्यो क्या, एकछिन पर्खिनु। तो गाइस मैं कब घर पहुँचु मेरे को ऐसा हो रहा है, तो इतना भीड़ में मैं नहीं रह पा रहा हूँ। तो गाइस घर पहुँच के वीडियो मैं एंड कर दूंगा, तब तक आप मेरे साथ ही रहिए, आपको मैं थोड़ा टूर दे रहा हूँ हावड़ा का, ठीक है। वेलकम टू हावड़ा स्टेशन, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस इन हावड़ा स्टेशन। ये तो आज कोई टीटी वीटी नहीं है शायद, नहीं तो पकड़ने के लिए एक दो जन रहता है पहले से।
हम लोगों को ही पकड़ते हैं गाइस, उन लोगों को लगता है कि हम लोग टिकट नहीं कैरी करते, है ना, उन लोगों को लगता है कि हम लोग टिकट ही कैरी नहीं करते। ये तो साइड में खड़े हैं जनाब लोग। थैंक यू, विजिट अगेन, विजिट तो करने पड़ेगा गाइस ट्रैवल करने के लिए, कोई और चारा नहीं है। अब यहाँ पर है सबवे, अलग अलग जगह निकल सकते हैं सबवे से आप। फेरी के लिए जाना तो फेरी वाला एक तो गली पड़ेगा, वो भगवान पता है, भगवान का पता है, मेरे को तो पता नहीं गाइस। मेरे को अपना बस कहाँ आता है उतना ही पता है गाइस। तेरा स्ट्रेट मेरे इधर लेफ्ट लग नंबर चलो। अरे बैठे बैठना था अंता है ना, इसमें बैठम ना था एक्सप्लेनेट में है ना। तो गाइस ये मेरा दोस्त अब यहीं से विदाई ले लेगा, तो मैं इसका इंस्टाग्राम अपने बायो में डाल दूंगा, फॉलो कर सकते हैं। इसका नाम है किस्मत कनाल, बहुत ही टैलेंटेड लड़का है गाइस। तो किस्मत सीधा चल जाएगा ऊपर, मेरे को जाना पड़ेगा लेफ्ट साइड में। तो भाई मिलते हैं फ्राइडे, मिलते भाई, टाटा। हला पू क्या टैक्स कौन एक तल दादा, टाटा। हाँ टाटा। तो गाइस चल गया है मेरा दोस्त, तो गाइस मेरा दोस्त चल गया है, उसका दूसरा साइड में जगह है, तो बस पकड़ने के लिए उसको वही रूट से जाना पड़ेगा। और मैं रहता हूँ तुम्हारा नॉर्थ में, तो मेरा नॉर्थ का बस अलग से ये साइड में लगता है गाइस। तो बैरकपुर जाने वाला बस पकड़ना पड़ेगा मेरे को, तो मैं रहता हूँ बड़ा नगर में ना गाइस, तो बीटी रूट लाइन का मेरे को बस पकड़ना पड़ेगा। तो दिखाता हूँ मैं आपको गाइस बस कहाँ से मिलेगा। तो गाइस लेफ्ट साइड में अगर टनल उठने के बाद ये जगह आएगा, बस स्टैंड में ही आएगा, वो साइड भी बस स्टैंड ही पड़ता है। तो लेफ्ट साइड आने के बाद आप ये साइड में पहुँच जाएंगे। तो अगर आपको बैरकपुर वाला बस पकड़ना है तो एकदम से स्ट्रेट जाना पड़ेगा गाइस। देख सकते हैं गाइस सभी अलग अलग जगह में जाने वाला बस अवेलेबल है यहाँ पर, देख सकते हैं 219 ये सब जाता है आपका कॉलेज स्ट्रीट, कॉलेज स्ट्रीट वाले स्ट्रीट चल जाता है गाइस। और मेरे को जाना है ये बस से, ये बस जाएगा आपका बैरकपुर में। देख सकते हैं तो गाइस 7:30 हो गया है, तो हावड़ा स्टेशन से मैं निकल रहा हूँ गाइस, अभी बस में चढ़ गया हूँ मैं, देख सकते हैं। तो धीरे धीरे निकल रहे हैं, जाम लगा हुआ है यहाँ पर हावड़ा ब्रिज, अगर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है गाइस, हावड़ा ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा। तो देखिए बस का व्यू से देखिए कुछ ऐसा दिखता है गाइस, धीरे धीरे निकलना पड़ रहा है, बहुत भीड़ रहता है यहाँ पर। तो देख सकते हैं गाइस हम लोग हावड़ा ब्रिज में अभी, स्टेशन एंट्रेंस वहां पर है। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight. Lights paint the skies all because of you.
तो भाई सिग्नल रेड है तो रास्ता क्रॉस कर रहा हूँ अभी मैं। बस से उतर गया हूँ, देख सकते हैं वो वाइट कलर का बस में मैं अभी आया। तो गाइस यहाँ से अब मेरा रूम ज़्यादा दूर नहीं है, खाना ले लेता हूँ फिर जाऊँगा रूम में। तो गाइस फाइनली मैं कलकत्ता पहुँच ही गया हूँ इतना ट्रैवल करने के बाद, समथिंग 8:15 हो गया है। तो स्टेशन से छोड़ा था 7:30 में, 8:15 में मैं पहुँचा हूँ। समथिंग 45 मिनट्स लगे हैं मेरे को स्टेशन से अपने लोकेशन तक आने के लिए, वो भी बस में। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ, मैं उतरा टॉपिन रोड में इसीलिए क्योंकि मैं उतरा टॉपिन रोड में क्योंकि मेरे को खाना लेना था। तो खाना लेना होता तो अगर मैं उतरता तो बड़ा नगर थाना में भी उतर सकता था, तो गोपालपाड़ा फाड़ी कहते हैं उसको। तो गाइस अब वीडियो का एंड हो रहा है, गाइस मैं फाइनली आ चुका हूँ। तो गाइस देख सकते हैं ये मेरा बिल्डिंग है, 3rd फ्लोर, अंधेरा है जैसे देख सकते हैं, मैं आ रहा हूँ तो 3rd फ्लोर में मैं रहता हूँ नेताजी कॉलोनी में। तो गाइस मिलते हैं रूम में। तो गाइस मैं फाइनली आ ही गया अपने रूम पे। तो अभी 8:30 हो रहा है तो ऑलमोस्ट 1 आवर लगा मेरे को स्टेशन से यहाँ बड़ा नगर आने में, खाना वाना लेके पूरा पूरी जोड़ जाड़ के 1 घंटा लगा। तो आज संडे बोल के ट्रैफिक खाली था इसीलिए 45 मिनट्स लगा बस में आने के लिए, नहीं तो ऑफिस टाइम में ख़त्म 1 आवर ही लग जाता आने आने में। तो फाइनली मैं आ गया हूँ अपने रूम में। तो यही है गाइस अब एंड इस वीडियो का। तो बहुत दिनों के बाद मैंने वीडियो बनाया, एक ट्रैवल वीडियो है ये। तो गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए एएसके ब्लॉग्स को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो गाइस, फ्री में सब्सक्राइब हो जाता है, लाइक वाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस। आप वीडियो देखिए, अगर आपको मज़ा लगा तो देखिए, नहीं लगे मत देखिए। तो गाइस मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, आपसे मैं ट्राई करूँगा रोज़ वीडियो डालने के लिए। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।